हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटोमैनिक में। और आज के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 5 किलोवाट 72 वोल्ट पीएमएसए मोटर एंड कंट्रोलर सेट विथ 56 इंच ड्यूअल स्पीड डिफरेंशियल, जो कि हाई परफॉर्मेंस डिफरेंशियल है। और जो कि इसमें कि आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको टू स्पीड ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी में हाई टॉर्क और हाई स्पीड दोनों अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग लाइव आप लोगों को ये डिफरेंशियल एक्सेल पीएमएसए मोटर के साथ चलाने वाले हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर की। अभी जो मोटर हम लोगों ने माउंट की है, ये बेसिकली 5 किलोवाट पीएमएसए मोटर है और इसके साथ हम लोग 6 फेस पीएमएसए मोटर कंट्रोलर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 6 फेस में आपको ज़्यादा बेटर टॉर्क मिलता है, ज़्यादा बेटर आपको हीट मैनेजमेंट मिलता है और ज़्यादा बेटर इफिशेंसी मिलती है। इसीलिए ओवरऑल इन मोटर्स की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर मोटर की ऑप्शन की बात करें तो हम लोग टू स्पीड और सिंगल स्पीड डिफरेंशियल के ऑप्शन में आपको 1.5 किलोवाट से स्टार्ट होकर 10 किलोवाट और इवन 30 किलोवाट की पीएमएसए मोटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफरेंशियल के साथ भी कंपेटिबल होती हैं। और ये जो मोटर होती हैं 72 वोल्ट 60 वोल्ट के ऑपरेशन के साथ साथ अगर आपको चाहिए तो 48 वोल्ट ऑपरेशन में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसेसरीज की जो हम लोग देते हैं। उसके साथ आपको फुल थ्रॉटल मिलता है, 1-2-3 स्पीड स्विच मिलता है आपको, और अगर आपको चाहिए तो फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, एंडरसन कपलर। इसके साथ आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो हम लोग कस्टमाइज़ करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन हम लोग अगर डिफरेंशियल की भी बात करें तो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे पास 42 इंच है, 48 इंच है और ये वाला जो आप देख रहे हैं 56 इंच है। लेकिन अगर आपकी कस्टमाइजेशन आपको चाहिए, अगर आपको कुछ अलग साइज़ का डिफरेंशियल चाहिए, तो हमारी डिफरेंशियल की जो रेंज होती है वो 20 इंच से स्टार्ट होकर 70 इंच तक जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 20 इंच से स्टार्ट करके 70 इंच तक किसी भी पावर रिक्वायरमेंट में आपको डिफरेंशियल प्रोवाइड कर सकते हैं। हाइब्रिड कार्स के लिए जो नॉर्मली इन डिफरेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 62 इंच तक भी जाते हैं, तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आपको वीडियो में रन करके दिखाएंगे हमारी मोटर कंट्रोलर विद डिफरेंशियल। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मैकेनिज्म है 2 स्पीड का मैकेनिज्म है, इसमें आपको न्यूट्रल भी मिलता है। पहले फर्स्ट स्पीड, लोअर स्पीड, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड स्पीड लगती है और उसके लिए ये लीवर मिलता है। इसमें जो बीच वाली पोर्शन है न्यूट्रल की पोर्शन है, यानी कि अगर आप हाइब्रिड भी करना चाह रहे हैं या न्यूट्रल पोर्शन में लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे आप लीवर को बीच वाली पोर्शन में शिफ्ट करेंगे आपका डिफरेंशियल मोटर से डिसकनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपकी रोटेशन नहीं होगा। ये न्यूट्रल पोर्शन हम लोगों को लगा दिए। ऊपर वाली पोर्शन टू स्पीड की, जिसमें आपको हाई स्पीड मिलती है, लो टॉर्क मिलता है। और ये जो पोर्शन है ये आपकी है फर्स्ट वाले की, लो स्पीड की और हाई टॉर्क वाला सिलेक्शन। तो ये 2 स्पीड के साथ आपको डिफरेंशियल मिलता है। अब हम लाइव आपको लोगों को चलाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग लो स्पीड वाले मोड में डालते हैं। ये हम लोगों ने पहले लो स्पीड वाले मोड में डाल दिया है और यहाँ से अब आप देखिए, अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया लो स्पीड में। अब हम लोग इसको चलाते हैं लो स्पीड में। तो ये बैटरी और कनेक्शन हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आपको कनेक्शन के बारे में बताया, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो तो हम लोग सर्विस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन के लिए। ये देखिए, ये अब लो स्पीड मोड में चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो स्पीड मोड में, क्योंकि लो स्पीड मोड में हाई टॉर्क में, तो इसमें आपको ऑब्वियसली स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ ये आते हैं, इसलिए इनकी जो ब्रेकिंग होती है काफ़ी बेटर होती है। साथ ही में आपको एडिशनल इनके साथ जो मिलता है ये आपको हैंड ब्रेक वाला भी ऑप्शन मिलता है। तो ये हो गई आपकी लो स्पीड वाला, इसमें आप देख सकते हैं स्पीड कम मिलती है लेकिन इसमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तो ये इस गियर का यूज़ वहाँ होता है जब आप किसी चढ़ाई पर उसको चलाते हैं, आपके गाड़ी को चलाते हैं, जहाँ पर आपको हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हाई लोड है और आप किसी ग्रेडियंट यानी कि चढ़ाई पर गाड़ी को चलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अब डालते हैं गाड़ी को। अब इसके बाद हम लोग पहले न्यूट्रल में शिफ्ट करेंगे। ये चूंकि ऐसा ही रहता है इनका सिंक, तो फर्स्ट गियर से हम लोग न्यूट्रल में शिफ्ट करते हैं। ये फिक्सिंग के बाद थोड़ा सा गियर चेंजिंग आपका काफ़ी स्मूथ हो जाता है, न्यूट्रल पोजीशन में आ गया है। अब इसको हम लोग हाई स्पीड मोड में डाल देते हैं, सेकंड गियर में डाल देंगे अब हम लोग इसको न्यूट्रल से हटाकर। ये अब हमारा न्यूट्रल सेकंड स्पीड में डल गया है, हाई स्पीड में। अब हम लोग देते हैं, अब आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए, सेकंड में डालते ही हमारी स्पीड अब मोटा मोटा डबल हो जाती है।
तो यहाँ पर डबल का डिफरेंस आता है। गियर रेशियो की बात करूँ तो इसमें आपको काफ़ी हाई और लो दोनों गियर रेशियो मिलते हैं, तो सेकंड गियर में आपकी स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और फर्स्ट गियर में उसकी आधी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी हाई स्पीड है, जबकि अभी फर्स्ट स्पीड लो स्पीड ऑप्शन में है। अब इसको हम लोग थर्ड में हाई स्पीड में डाल देते हैं, आप साउंड से सुन सकते हैं कि कितना तेज वाइब्रेशन हो रहा है। ये देखिए तो हाई स्पीड ऑप्शन में आ गया, काफ़ी हाई स्पीड मिल रही है अब आप लोगों को। जैसा कि मैंने बताया 72 वोल्ट सिस्टम है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अभी हम लोग जो ट्रायल ले रहे हैं 60 वोल्ट पे ही ले रहे हैं, 72 वोल्ट पे इसकी स्पीड और ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी हाई स्पीड मिल रही है। और इसके अलावा भी अगर आपको और डिफरेंस गियर रेशियो चाहिए तो हम लोग उसमें भी आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक्सेल साइज़ की हमारे साथ कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम लोग किसी भी साइज़ में एक्सेल्स और किसी भी पावर रेंज में आपको मोटर कंट्रोलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप किसी गाड़ी को कन्वर्ट कर रहे हो, कोई DIY प्रोजेक्ट हो, कोई नया डिज़ाइन डेवलपमेंट हो, या कोई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट या कोई स्पेशल पर्पस मशीन आप बना रहे हो, तो सभी में हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं काफ़ी कस्टमाइजेशन के साथ, और काफ़ी ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मोटोमैनिक में आप लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।